हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा और अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी कैब का। सो लेट्स गो। तो जो बुर्ज खलीफा की एंट्री है वो दुबई मॉल के अंदर से ही है। तो अब हम लोग एंट्री लेने जा रहे हैं एट द टॉप ऑफ बुर्ज खलीफा, जो कि हमारे अंदर यहीं से है, मॉल के अंदर हमने एंट्री ले ली है वापस। Now we are inside Burj Khalifa. हम बुर्ज खलीफा के अंदर आ चुके हैं पर जा रहे हैं बुर्ज खलीफा के टॉप पर। एंट्री हमने अंदर ले ली है ऑलरेडी। इसमें सारी बुर्ज खलीफा की हिस्ट्री आ रही है कि 2007 में 150 फ्लोर्स बन गए थे एंड 2008 में 160, और स्टार्ट हुआ था ये आई गेस 2005 या 6 में, जो कि एक ही साल में 50-50 बन गए थे। तो ऐसे ही ये 2009 में कंप्लीट हो गया था, पूरा बुर्ज खलीफा बन गया था। इसकी पूरी हिस्ट्री बुर्ज खलीफा के अंदर दे रखी है और ऐसे दिखते हैं अंदर से। आई थिंक ऊपर टॉप पर अच्छा होगा, इस दिखते हैं। तो अगर आप अंदर जाओगे तो आपको ये सब फेस करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा क्यू होती है यहाँ पर अंदर ऊपर जाने के लिए टॉप पर। एंट्री हमारी हो चुकी है अंदर, अब हम लोग टॉप पर जाने के लिए वेट करें बिकॉज यहाँ पर बहुत लंबी क्यू है। तो ये सब चीज़ें तो थोड़ी बहुत फेस करनी ही पड़ेंगी, बट देखते हैं। अगर व्यू अच्छा होना चाहिए, बस मेन ये है कि ऊपर से व्यू अच्छा होना चाहिए। लेट्स सी। तो ये जो इतनी बड़ी लाइन है वो लिफ्ट की वजह से है। लिफ्ट में धीरे धीरे सब लोग जा रहे हैं टॉप पर। ऑब्वियसली टॉप पर जाने के लिए हमें लिफ्ट तो लेनी ही पड़ेगी क्योंकि 160 फ्लोर्स हैं बुर्ज खलीफा के अंदर, और उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। वैसे वन टाइम वॉच है, एक बार देखना चाहिए, तो एक बार देखना तो बनता है, तो वही हम लोग देखने आए थे। तो अब हम लिफ्ट के अंदर हैं और बहुत ही प्यारी लाइटनिंग हो रही थी पूरी लिफ्ट में, और जैसे जैसे बहुत ही फास्ट लिफ्ट ऊपर जा रही थी और बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा था, एयर प्रेशर, तो धीरे धीरे स्वेलो करना पड़ता है अपना, मतलब अच्छे से, तभी आप सही से सांस ले पाते हो। तो टॉप से बुर्ज खलीफा के कुछ ऐसा दिखता है दुबई, और रात को लाइटनिंग इतनी प्रिटी होती है कि बहुत ही प्यारा लगता है रात को। तो जो आप ऊपर पतला सा पार्ट देखते हो, ये वो पार्ट है बुर्ज खलीफा का, और अब मैं इसके अंदर जाने वाली हूँ, तो चलते हैं। चलो इसके अंदर। तो इसके अंदर पूरी स्टेयर्स थी ऊपर जाने के लिए, और ऊपर और भी ज़्यादा क्लियर व्यू दिख रहा था, और काफ़ी सारी शॉप्स वगैरह भी थी ऊपर। Falak is enjoying. Falak, please hold it for a second so that I can show them the view. Okay. So this is beautiful view. You can see the whole Dubai. Oh my God, it's amazing. Falak is standing here and making poses.
Just hold for a second so that I can, you know, capture you from head to toe and also show the Dubai Burj Khalifa view. As you can see, the Emaar building and all the whole lightning. So I think we can declare Dubai as a country of light. So now it's time to say bye to this beautiful view. We are going down to eat something because it's time for dinner and we are very hungry. So let's go. आ चुके हैं बुर्ज खलीफा से बाहर और ये है दुबई मॉल के अंदर एक गैलरी जिस पर सारा ही एंटीक स्टफ था। और अब हम लोग दुबई मॉल के बाहर इस वाले एरिया में आ चुके हैं जहाँ पर साइड में लेफ्ट मेरे राइट साइड में बुर्ज खलीफा था और लेफ्ट में इमार बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग था। और थोड़ी ही देर में फाउंटेन शो स्टार्ट होने वाला है। फाउंटेन शो हर 20 मिनट्स बाद होता है और काफ़ी भीड़ होती है उस पर भी। और अब हम लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं। ये पूरा दुबई मॉल है और अब हम जा रहे हैं घर। घर पास में ही है अब और अब हमारी कैब आ गई है। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। अल्लाह हाफिज़।